किसान भाइयों नमस्कार, मैं इसके त्यागी वैज्ञानिक उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन लखनऊ। किसान भाइयों, आज मैं आपको टमाटर में फूल झड़ने की रोकथाम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमें ये जानते हैं कि टमाटर के फूल झड़ते क्यों है, तो इसमें छह प्रमुख कारण है जिसके कारण टमाटर के फूल झड़ते हैं, जिसमें पहला कारण मौसम। यदि मौसम में तापमान यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाता है और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाता है तो सामान्यतः टमाटर में फूल झड़ने की समस्या देखी गई है। साथ में यदि आर्द्रता 60% से नीचे जाती है और 85% से ऊपर आर्द्रता होती है तो भी टमाटर में फूल झड़ने की समस्या देखी गई है। दूसरा कारण मृदा में असंतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का उपयोग। यदि असंतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करते हैं, विशेषकर नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करते हैं, तो वनस्पतिक वृद्धि अधिक होती है और फूल झड़ने की समस्या देखी गई है। तीसरा कारण पौधों में हार्मोन का असंतुलन। यदि हार्मोन पौधों में असंतुलित हो जाते हैं उसके कारण भी फूल झड़ने की समस्या देखी गई है। चौथा कारण कीट एवं रोगों का प्रकोप, विशेषकर रसचूसक कीट, सफेद मक्खी, थ्रिप्स, मकड़ी, इनका अधिक प्रकोप होने पर भी फूल झड़ते हैं। पांचवा कारण भूमि में कम नमी या अधिक नमी का होना। इस कंडीशन में भी, इस दशा में भी टमाटर के फूल झड़ते हैं। यदि मृदा में आवश्यकता से अधिक नमी है या आवश्यकता से कम नमी है तो भी फूल झड़ने की समस्या देखी गई है। छठवां कारण परागण में कमी। यदि परागकर्ता यदि आपके खेत में कम होंगे, तितलियां, मधुमक्खी, भौरे यदि कम होंगे तो सामान्यतः परागण के अभाव में भी फूल झड़ने की समस्या देखी गई है। ये जो कारण है ये मुख्यतः फूल झड़ने के कारण है, तो इनको रोकने के लिए किसान भाइयों सबसे पहले संतुलित मात्रा में मृदा परीक्षण के अनुसार खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करें। सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई का उपयोग करें, आवश्यकता अनुसार मृदा में नमी बनाए रखें। ड्रिप से प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर सिंचाई करें। यदि फूल झड़ रहे हैं तो उसके लिए प्लानोफिक्स, पुष्पन के समय, फूल आने के समय प्लानोफिक्स 1 ml 4.5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और पहले छिड़काव के 20 दिन बाद आप दूसरा छिड़काव करें। साथ में कीट एवं रोगों का नियंत्रण करें, विशेषकर रसचूसक कीटों का एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन प्रणाली अपनाकर उनका नियंत्रण करें। साथ में खेत के चारों ओर पुष्पों वाले पौधे लगाएं, जैसे गेंदा लगाएं, 16 लाइन के बाद एक लाइन टमाटर में गेंदा की लगा दें, खेत के चारों ओर गेंदा लगा दें। इससे क्या है कि जो परागकर्ता कीट हैं, विशेषकर तितलियां, भौरे, मधुमक्खियां, ये खेत में आएंगी, वो परागण का कार्य करेंगी तो जो फूल झड़ने की समस्या है वो कम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।